मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है और मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, एनएलपी ट्रेनर और कोच हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस एंड हिप्नोसिस, आत्मविश्वास और सम्मोहन उपचार। काफ़ी लोगों को बहुत सारी जगह आत्मविश्वास नहीं रहता है, मतलब किसी को दो लोगों के सामने बात करना तो बात कर सकते हैं, 8-10 लोगों के सामने बात करना बोले तो उनको आत्मविश्वास नहीं है, डेयरिंग नहीं है, स्टेज डेयरिंग नहीं है, या कोई बड़े लोगों के सामने बात करना तो स्टेज डेयरिंग नहीं है, कभी इंग्लिश में बोलना है तो उनको डेयरिंग नहीं है, बड़े लोगों के साथ में बात करना है तो उनको उनके साथ में बात करने का डेयरिंग नहीं कि मैंने मैं आत्मविश्वास से बात कर सकूँ करके। तो ऐसी काफ़ी सारे बातें हैं कि जैसा बच्चों की परवरिश करना है उसके बारे में आत्मविश्वास नहीं है, या एग्ज़ाम देने में आत्मविश्वास नहीं, इंटरव्यू देने में आत्मविश्वास नहीं है, कुछ काम करने में आत्मविश्वास नहीं है, ऐसा काफ़ी सारी जगह ऐसी हो सकती है कि जहाँ आत्मविश्वास नहीं है। तो एक तो वहाँ स्किल कम है, स्किल नहीं है, मतलब कौशल्य नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, मतलब दृष्टिकोण नहीं है वैसा, और उसका कौशल्य भी नहीं है, उसका ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। तो ये सारी काफ़ी बातें होती कि जिसकी वजह से आत्मविश्वास नहीं होता, और ये होने के बावजूद भी मतलब कौशल्य, ज्ञान है, उसके बाद में भी उसने प्रैक्टिस की नहीं रहती, इसके लिए आत्मविश्वास नहीं है। और तभी भी हो सकता है कि उसको आत्मविश्वास नहीं है तो उसके लिए हम सम्मोहन उपचार कर सकते हैं, उसका एटीट्यूड भी ठीक है तभी भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस समय हम उसको सम्मोहन उपचार से उसका इलाज कर सकते हैं, और सम्मोहन उपचार से उसको कॉन्फिडेंस आ सकता है, आत्मविश्वास उसका बढ़ सकता है। तो जहाँ जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है वो कल्पना करनी पड़ती है सम्मोहन की अवस्था में, कि जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है सम्मोहन की अवस्था में कल्पना करना है कि वो सिचुएशन में, मैं वातावरण में मैं हूँ, और वहाँ से फिर काम करना है, वहाँ से फिर वो इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, और ऐसा बार 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 करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में उसका इम्प्रिंटिंग हो जाता है, छप जाता है वो, और बाद में आपको डेयरिंग आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, सम्मोहन की अवस्था में कॉन्शियस माइंड को बाजू में करना है, सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्टिबल है उसको सामने लाने का है, ऊपर लाने का है, उसके ऊपर बार 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 उसका प्रोग्रामिंग करने का है, ताकि फिर सबकॉन्शियस माइंड खुद होके फिर वो काम करना चालू करेगा। क्योंकि हमारे व्यवहार में सबकॉन्शियस माइंड 90% हमको कंट्रोल करता है, तो हम उसका, मैं आपको तकनीक बताता हूँ, और वो हिसाब से आप यदि प्रैक्टिस करते हैं घर में कम से कम 4 बार रोज, तो डेफिनेटली आपका आत्मविश्वास जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ बढ़ जाएगा। अभी सम्मोहन जो करना है आपको, वो मैं जैसा एक आधा कोई ऑपरेशन करना है तो हम देते हैं उसको भूल एनिस्थेशिया, और एनिस्थेशिया देने के बाद में फिर ऑपरेशन चालू होता है। वैसे पहले सम्मोहन का मैं आपको ये बताऊंगा डिस्क्रिप्शन के, सम्मोहन कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया कौन सी है, और वो होने के बाद में फिर हम करेंगे ऑपरेशन, मतलब सजेशन देंगे। तभी मैं बार 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 आपको बोलूँगा रिलैक्स, रिलैक्स इसका मतलब है शिथिल करना, ढीला करना, रिलैक्स। मैं आपको बार 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 बोलूँगा स्लीप, स्लीप इसका मतलब लेटना, सोने का नहीं, लेटना है गद्दी पर। मैं आपको बार बार बोलूँगा डीप, डीप मतलब गहरा, मतलब डीप जब जब मैं बोलूँगा तब तब तो आपने कल्पना करना है कि आप गहरी गहरी गुफा में अंदर जा रहे हैं, आँखों के सामने अंधेरा 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 आ रहा है और आप गहरी गहरी गुफा में अंदर अंदर जा रहे हैं, ऐसी कल्पना करना है। फिर मैं 1 से 10 तक गिनती करूँगा, जैसी गिनती बढ़ती जाएंगी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होती जाएंगी, और फिर बाद में मैं आपको बोलूँगा कि अभी विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन करो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को शब्द नहीं समझते, सबकॉन्शियस माइंड को चित्र समझते हैं। तो मैं शब्द बोलूँगा मगर आपने चित्र देखने का है, ठीक है? तो अभी प्रक्रिया चालू करते हैं, हाथ ऐसे एक दूसरे में डालने का है, हाथ पैर के ऊपर रखो, रिलैक्स, पैर पंजे जो है ना उनको ऐसी कैंची बराबर है आपने रखा है वो, ठीक है ना, ऐसी कैची है। अभी गर्दन पीछे टिकाओ, आंखें बंद, और मेरी आवाज़ सुनने की है, दूसरी कोई भी आवाज़ की तरफ ध्यान देना नहीं, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनना है और मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान देना है, और मैं जो जो बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा करना है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, पैरों
पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स करो, पीठ, पेट, कमर, सीना, सभी रिलैक्स 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 हुआ है। कंधे रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स करो, कंधे हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलके रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा सिर रिलैक्स करो, सिर में के विचार निकाल डालो, पूरा सिर रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, पूरा चेहरा रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप, आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में गए हो, डीप 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 गए हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा गया है और आप डीप डीप सम्मोहन अवस्था में गए हो। मैं भी एक से दस तक गिनती करूँगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होती जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। मैं अभी आपको कुछ सूचना देने जा रहा हूँ, वह सूचनाओं का पालन करना है, वह सूचनाएं अपने जिंदगी में, अपने रोज के जीवन में, रोज के व्यवहार में अपनाने की है। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में गए हो, आपका अचेतन मन अभी सूचनाएं स्वीकारने को तैयार हो चुका है, सबकॉन्शियस माइंड अभी सूचनाएं स्वीकार कर रहा है। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कोई भी समस्या का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सकोगे।
आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कोई भी समस्या का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सकोगे। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कोई भी समस्या का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सकोगे। आपको भी कल्पना करनी है कि जहाँ जहाँ जो जो सिचुएशन में आपको आत्मविश्वास रहता नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, किसी के साथ में बात करने के समय, कोई बड़ा व्यक्ति हो उसके सामने बात करने के समय, या आप 4-5 लोग 10 लोगों के सामने आपको कुछ आपकी बात रखनी है तब, या कोई भी काम करने के समय जब आपका आत्मविश्वास हो जाता है या आपको नहीं रहता है, तो वो सिचुएशन की आप अभी कल्पना करेंगे। वो सिचुएशन में आप एक्चुअली हो, उसमें हो, अपने आप को क्लियर कट देखो, कौन कौन लोग हैं वहाँ वो देखो, उनको पहचान लो, कौन से ड्रेस उन्होंने पहने हैं, आपने कौन सा ड्रेस पहना है, वो क्लियर कट देखो। वो आपको जो बोल रहे हैं वो सुनो, आप उनको जो बोल रहे हैं वो भी सुनो, जो आप फील कर रहे हैं वो भी फील करो। एक्चुअल तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो और फील कर रहे हो, वैसा फील कर रहे हो। कॉन्फिडेंटली वो सिचुएशन को आप सामने जा रहे हो, उसका सामना कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ। बहुत ही आत्मविश्वास आपको आ चुका है, बहुत जबरदस्त, वंडरफुल। वो सिचुएशन को आपको देखना है, आप बहुत ही रिलैक्स हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, आपका कहना आप सामने रख रहे हो, बहुत ही मजा आ रहा है, मन की शांति भी आपको है, शांत मन है, रिलैक्स है, कॉन्फिडेंट है, खुश है, उत्साहित है, बहुत जबरदस्त, वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त है, कॉन्फिडेंट आप है, वेरी गुड। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी आपको पूरा आत्मविश्वास आया हुआ है, बिल्कुल एक बड़ा व्यक्ति जो रहता है जिसको पूरा आत्मविश्वास है वैसा है, बहुत जबरदस्त, वंडरफुल। अभी मैं आपको एक कल्पना करने के लिए बोल रहा हूं कि आप एक बड़े बलून में बैठे हो, बलून को एक बड़ी खिड़की है, वो बलून में मतलब गुब्बारे में आप बहुत ही शांत, रिलैक्स, कॉन्फिडेंटली बैठे हो, कुछ भी तकलीफ नहीं, मजा आ रहा है, एकदम मजा, रिलैक्स रिलैक्स। बाहर एक आदमी खड़ा है जो आप ही हो, महेश, और वो आपके हिसाब से बहुत ही आइडियल व्यक्ति है, बहुत आइडियल, बहुत आदर्श व्यक्ति है वो, उसको आत्मविश्वास है, थिंकिंग अच्छी है उसकी, सब अच्छा है, एकदम आइडियल, एक आइडॉल है वो आपके लिए। और वो महेश जो बाहर खड़ा है वो अभी खिड़की में से अंदर आएगा, बलून में, वो बलून में अंदर आ रहा है, खिड़की में से अंदर आ गया और आपके शरीर में वो अंदर
उसने प्रवेश किया, एक रूप हो गया, अभी वो व्यक्ति बन गए, नया वाला ट्रांसफॉर्म, कि जिसको पूरा आत्मविश्वास है, बहुत डेयरिंग वाला है, कुछ भी कर सकता है, वैसा आप बन गए हो, नया महेश, ट्रांसफॉर्म महेश। अभी मैं एक से दिन तक गिनती करता हूँ, जैसी जैसी गिनती बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे और वो महेश जो है वो और खुल जाएगा, और कॉन्फिडेंट और ट्रांसफॉर्म और नया महेश दिखेगा, वैसा फील करेंगे आप, वैसा सुनेंगे, वैसा बोलेंगे, वैसा देखेंगे। एक, दो और तीन, अभी एक नया ट्रांसफॉर्म महेश बना हुआ है, एकदम नया, बिल्कुल नया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं तीन से एक तक गिनती करूंगा, जैसे जैसे गिनती कम कम होती जाएंगी वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था खुल जाएंगी और आपको जा जाएंगे। तीन, धीरे धीरे खुल रही है आंखें, सम्मोहन अवस्था खुल रही है और आपको जाग आ रही है। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, एंथुजियास्टिक लगेगा, उत्साहित लगेगा, अच्छा लगेगा। दो और एक, उठो, जाग जाओ, आंखें खोलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंखें खोलो। तो ये जो कॉन्फिडेंस नहीं है, या कॉन्फिडेंस होता नहीं है और फिर डेयरिंग नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं है, तो ये लाने के लिए जरूरी है कि कम से कम ये चार बार सेशन आपने करना है, और ये बार 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 सुनने का है, तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसका बार बार असर होगा, इम्प्रिंटिंग होगा, प्रोग्रामिंग होगा, और वो आपकी आदत बन जाएंगी, फिर आत्मविश्वास के साथ में रहने की आदत बन जाएगी। आपके संपर्क में काफ़ी लोग होंगे कि जिनको आत्मविश्वास नहीं होगा, और ऐसा नहीं कि हर जगह आत्मविश्वास नहीं है, कहीं रहता है आत्मविश्वास। समझो एक गृहिणी है, उसको खाना बनाने में आत्मविश्वास है, मगर कोई गेस्ट आ गया, कोई नया व्यक्ति आ गया, उसके साथ में बात करने के लिए आत्मविश्वास नहीं है। या सर्विस में कर्मचारी करके या सर्विस एक्सेप्ट करनी है, या कोई कंपनी में काम पे जाना है, तो उसको आत्मविश्वास नहीं है। या घर के बाहर जाना है, किसी से बात करना, आत्मविश्वास नहीं है। तो कहीं जगह आत्मविश्वास है, कहीं जगह नहीं है, हमको तो सब जगह चाहिए। तो ऐसे काफ़ी लोग आपके संपर्क में होंगे जिनको आत्मविश्वास का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डेयरिंग नहीं है, स्टेज पे जाकर बात नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते, भाषण नहीं दे सकते। तो उनके लिए ये बहुत काम का होगा वीडियो, उनको वो आप जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हमको एक ऐसा देश बनाने का है कि जहाँ लोग पावरफुली उनका जीवन जी रहे, एबिलिटी से जीवन जी रहे, क्षमता से जीवन जी रहे, और हर व्यक्ति मनोविकार मुक्त हो, नशा मुक्ति उसको हो, और बहुत ही पावरफुली मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबको मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए हम काम करते रहते हैं। और ये संभव है कि हर व्यक्ति पावरफुली जीवन जिएगा, यदि वो सम्मोहन उपचार का या सम्मोहन का इस्तेमाल करता है तो। सो जितना ज़्यादा लोगों को फैला सकते हैं, इतना ज़्यादा लोगों को ये फैलाओ वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं ऐसी वीडियो काफ़ी बनाते रहता हूँ, इसके पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, आपको ये वीडियो आते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करो, जो बेल आइकॉन आता है ना उसके ऊपर भी हिट करो, ताकि इसके बाद में आपको नोटिफिकेशन भी आते जाएंगे, जैसे जैसे मेरे वीडियो आते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।